दीपों के पर्व दीपावली के त्यौहार को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखी जा रही है। इस खुशी और उमंग के मुख्य कारण भी हैं। लगातार दो वर्षों के विश्वव्यापी कोरोना महामारी के प्रकोप को लेकर देशवासियों को निराशाजनक दौर से गुजरना पड़ा और लोगों के दिल में एक अदृश्य भय ने अपना घर बना लिया था। दो वर्षों की लंबी अवधि के बाद लोगों को इस वर्ष हर त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का अवसर मिला है। इस वजह से सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। शहर के मुख्य बाजार, मिठाई, फल फूल और सजावट की दुकान और पटाखे सहित अन्य सामग्रियों से भरे पड़े हैं। लोगों की आवाजाही और बाजार में उमड़ी भीड़ शहर की रौनक बढ़ा रही है। इस मौके पर जिले के चर्चित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार और डॉक्टर संजय कुमार ने जिलेवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए जिलेवासियों से अपील किया है कि अपने अपने बच्चों को आतिशबाजी से दूर रखते हुए वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। दोनों डॉक्टरों ने संयुक्त रूप से कहा कि वायु प्रदूषण के कुप्रभाव से सांस लेने में न सिर्फ बच्चों को बल्कि वृद्ध लोगों को भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए बीएमपी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि दीपावली जरूर मनाएं, लेकिन इसके साथ साथ आप सावधानी भी बरतें ताकि इस वर्ष आप अपने परिवार के साथ खुशीपूर्वक पर्व मना सकें। बीएमपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बेगूसराय के तमाम जिलावासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कुछ अवेयरनेस की बातें करना चाहता हूँ। क्योंकि दीपावली है, पोल्यूशन का माहौल हो सकता है, छोटे बच्चे पोल्यूशन का शिकार हो सकते हैं। बच्चों को पटाखों से दूर रखें। अगर बाहर आतिशबाजी हो रही हो तो कोशिश करें कि बच्चों को बाहर ना निकालें। ऐसे पॉल्यूशन से बच्चों में सर्दी खांसी बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। थैंक यू। मैं डॉक्टर संजय कुमार सभी जिलेवासियों से निवेदन करता हूं कि दिवाली तो हर्षोल्लास का पर्व है, ऐसे भी सभी लोग दो साल बाद अच्छे से कोई भी फेस्टिवल मनाने को तैयार हुए हैं और मनाने में बढ़ चढ़ के सभी लोगों का हिस्सेदारी हो रहा है। बावजूद इसके मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस दिवाली के पावन अवसर पे अपने आप को बचाएं। पॉल्यूशन जहाँ तक है, पॉल्यूशन को बहुत कम से कम करें। पॉल्यूशन से संबंधित जो भी कार्य है उसका कम से कम उपयोग करें, जैसे क्रैकर्स हो गया या और भी धुएँ वाली दिया हो गई। लोग आतिशबाजी पर ज़्यादा जोर, हाँ, आतिशबाजी से बचना चाहिए क्योंकि वो तो एक काउच कारण है पॉल्यूशन का भी और खतरा का, क्योंकि पटाखा है उसमें आग का डर है। और जहाँ तक बच्चे से संबंध, बच्चे ज़्यादातर इसमें भाग लेते हैं तो बच्चे से थोड़ा सा बच्चे के साथ मिसहैपिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि पर्व है, पर्व को पर्व की तरह मनाएं और उसमें अपना जान जोखिम में ना डालें। हाँ, सुरक्षा का काफ़ी ध्यान।